नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधु स्वागत करता हूं। गर्मी का मौसम आते ही सबसे पहले ठंडे पानी की ओर ध्यान जाता है। आजकल पानी ठंडा करने के लिए कई साधन उपलब्ध हैं। पुराने समय में जब फ्रिज या अन्य आधुनिक साधन नहीं होते थे, तब घरों में पानी को स्टोर करने के लिए मिट्टी के बर्तनों यानी घड़े या मटके का इस्तेमाल किया जाता था। आज घड़े का प्रयोग कम होता है, लेकिन अब भी कुछ एक लोग ऐसे हैं जो पानी को स्टोर करने व पीने के लिए मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते हैं। घड़े का पानी पीने में ठंडा व स्वादिष्ट होता है, साथ ही घड़े में भरकर रखा पानी सेहत के लिए भी लाभदायक है। घड़े के पानी से आने वाली मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू व स्वाद के कारण घड़े का पानी पीने का अपना ही आनंद है। विशेषज्ञों के अनुसार मिट्टी में कई प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। अगर हम पानी भरने के लिए मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, तो उस पानी में मिट्टी के गुण भी अपने आप आ जाते हैं। इसलिए घड़े में रखा पानी शरीर व स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक व गुणकारी होता है। कैसे रहता है घड़े का पानी शीतल? घड़े के पानी की शीतलता व ठंडे होने का कारण विज्ञान का वाष्पीकरण का सिद्धांत है। घड़े में छोटे छोटे छेद होते हैं जो सतही तौर पर देखने को नहीं मिलते, मतलब ये इतने बारीक व छोटे होते हैं कि हमें दिखाई तक नहीं देते। घड़े का पानी इन छिद्रों में भर जाता है और इस पानी का निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण की इस प्रक्रिया के लिए पानी को जितनी ऊष्मा की जरूरत होती है, पानी उतनी ऊष्मा घड़े के अंदर से लेता है। इसी क्रिया के द्वारा ही घड़े का पानी ठंडा रहता है, पाचन क्रिया को रखता है ठीक। घड़े का पानी हमारे पाचन तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद है। घड़ा पानी के पीएच लेवल को संतुलित बनाए रखता है, क्योंकि आज पानी के पीएच की समस्या गंभीर रूप लेती जा रही है। इस समस्या से बचने के लिए आरओ की जरूरत पड़ रही है, लेकिन आरओ एक महंगा उपाय है, जबकि समस्या के हल के लिए घड़ा एक सस्ता उपाय होने के साथ ही पर्यावरण अनुकूल भी है। इसलिए घड़े का पानी पीएच के लेवल को संतुलित रखते हुए अपच, गैस व एसिडिटी से बचाता है। कब्ज की समस्या से दिलाए छुटकारा। गर्मियों में अक्सर लोग फ्रिज का पानी पीते हैं, जिसकी तासीर गर्म होती है। यह पानी वात को बढ़ाता है, साथ ही ज़्यादा ठंडा या बर्फीला पानी पीने से कब्ज़ की समस्या पैदा हो सकती है और फ्रिज का पानी पीने से प्यास अधिक लगती है, लेकिन बार बार पानी पीने से भी तृप्ति नहीं होती। जबकि घड़े का पानी शीतल रहता है, जिसे पीने से गला भी खराब नहीं होता, ना ही वात व कब्ज़ की समस्या होती है। गले के लिए है लाभदायक। घड़े में रखे पानी का सेवन गले के लिए लाभदायक रहता है। फ्रिज का ठंडा पानी पीने से गले की ग्रंथियों में सूजन हो सकती है और साथ ही गला पक भी सकता है। घड़े का पानी इन समस्याओं से बचाव करता है। जहरीले पदार्थों को सोखता है घड़ा। मिट्टी का बना होने के कारण घड़ा हमें पानी में मौजूद जहरीले व सेहत के लिए हानिकारक पदार्थों से बचाता है। मिट्टी में शुद्धिकरण के गुण होते हैं, यह पानी में पाए जाने वाले हानिकारक तत्वों को सोख लेती है और पानी के पोषक तत्व यों के त्यों रहते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए है फायदेमंद। घड़े का पानी गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद फायदेमंद है। यह पानी न केवल उनकी सेहत के लिए लाभकारी है, बल्कि घड़े के पानी से आने वाली मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू गर्भवती महिलाओं को आनंद व संतुष्टि प्रदान करती है। सो दोस्तों, ये थी घड़े में रखा पानी पीने के फायदों से जुड़ी जानकारी। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।